नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य और संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और जहां से शिकायतें आएगी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, सभी हमारी सरकार सभी चीज़ों के सरलीकरण पर जोर दे रही है और सरलीकरण में क्योंकि जो शिकायतें आती हैं उनका ठीक प्रकार से समाधान हो, ठीक प्रकार से उनका निस्तारण हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी शिकायतकर्ता या जो भी जिनकी जो भी जरूरत समस्या जो भी यहाँ पर अपने आवेदन के माध्यम से देंगे वो सीधे रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद 1905 हेल्पलाइन में जाएगी और संबंधित विभाग को चली जाएगी और उसका एक डाटा यहाँ पर बना रहेगा। उसमें सारी डेट मेंशन होगी कि कौन सी डेट में वो एप्लीकेशन आई है, उस पर किस डेट पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ। ये सब हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया। देखिए, हम पहले दिन से ही जो है जो चीज़ें सही नहीं है, जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और उसमें जो भी जहाँ पर भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी वो कार्रवाई गुणदोष के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र स्तर पर लंबित वन विभाग सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान दोनों के बीच वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी देवभूमि उत्तराखंड आस्था के प्रमुख केंद्र के साथ ही वन और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है यह कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भ्रमण के दौरान FIR में वन और पर्यावरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट और कैंपा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को वन और पर्यावरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। बहुत सारे जो हमारा जो राज्य है यहाँ पर वन विभाग से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं और वन विभाग के कारण से उनकी NOC नहीं होने के कारण से और बहुत विलम्ब भी हो जाता है। तो आज हमने माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जो भी वन विभाग से रुके हुए काम हैं भारत सरकार के स्तर पर जो हमको NOC मिलनी है जिनमें क्लियरेंस होना है उन सभी पर वो क्लियरेंस करवा दें। इसके साथ साथ जो इस समय वनाग्नि की समस्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। हमारे यहाँ FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके संबंध में जो नई नई यहाँ पर रिसर्च हो रही है और अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली जाएंगे और रात्रि विश्राम उत्तराखंड सदन में करेंगे। अगले दिन यानी शनिवार को वहाँ विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों और BJP के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से रूबरू हुए और सरकारी कर्मचारियों का 10 बजे ऑफिस पहुंचने के आदेश के सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समय की बहुत महत्वता है, तय समय सीमा के जो भी मापदंड होते हैं उस पर काम करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना चाहिए। क्योंकि समय की बड़ी महत्ता है और सभी लोगों को चाहे हमारे सभी कार्मिक हों जो तय समय है उस समय पर सभी को कार्यालय में पहुंचना चाहिए, तय समय तक काम करना चाहिए। उसको लेकर बायोमेट्रिक या तय समय सीमा के लिए जो भी मापदंड हो सकते हैं मैंने आज निर्देश दिए कि वो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे प्रदेश में करवा। केंद्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बड़ा एक्शन किया है और एक बड़ा मैसेज भी आगे के लिए दे दिया है
आगे कुछ इस तरह के और मामले देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर सीधे जो चीज़ें सही नहीं है तो भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प भ्रष्टाचार केदारनाथ के रावल भीमा शंकरलिंग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उनका आशीर्वाद लिया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक मोहन सिंह मेहरा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केदारनाथ जी के 324वें रावल हैं। हमेशा उनका स्पष्ट मत रहता है कि धर्म और मठ की रक्षा के लिए वो अपने पूर्ववर्ती गुरुजनों को अपनाए मार्ग पर ही दृढ़ रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवालय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी मानसून सीजन को लेकर विभाग की सभी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा के तहत आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सख्त निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वो बिना वित्तीय स्वीकृति के किसी को अप्रूव ना करें, बिना अप्रूवल के काम किया तो कार्रवाई होना लाजमी है। इसमें सब तैयारियां हमारी बिल्कुल हम जागरूक हैं, तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। ये बैठक जो थी, ये समीक्षा बैठक थी, इसमें हमने काफ़ी बिंदुओं पर जो है चर्चा की है। खासकर जो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने के आदेश दे दिए गए हैं, तत्काल उसमें जो है भर्ती की जाए और लोगों को भरा जाए जिससे कि काम में रुकावट ना हो। इसके साथ साथ जो हमारे क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उन पर पुल और परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्य जो हैं उनमें तेज़ी लाई जाए। इसके साथ साथ सेफ्टी ऑडिट, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं और उनके नीचे खनन हो जाता है और ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं, तो उनका सेफ्टी ऑडिट के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। काफ़ी ब्रिजेस हमारे पहाड़ों में हैं तो ये सुनिश्चित देखा जाए कि पानी का कोई फोर्स या पानी का कोई वेग उनको काट नहीं रहा है और ब्रिजेस की सेफ्टी है ताकि उसमें जो यात्री चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं। तो ये सारे हमने हिदायत दी हैं और अच्छा हमारे अच्छा काम किया है हमारे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अब गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर हैं। वो गढ़वाल का दौरा खत्म करने के बाद कुमाऊं के दौरे पर भी जाएंगे। करण महरा की ये पूरी कवायद राज्य में संगठन को फिर से बीजेपी के मुकाबले में खड़ा करने को लेकर है ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। अपने दौरे के जरिए महरा कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनके टूट चुके आत्मविश्वास को फिर से जगाया जा सके। राज्य में कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में दूसरी हार हुई है और लोकसभा चुनावों में भी पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई थी जिसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह कम हो गया है और वो पार्टी के कार्यक्रमों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। फिलहाल करण महरा के सामने गढ़वाल क्षेत्र में नाराज नेताओं को मनाना पहली प्राथमिकता है क्योंकि राज्य में कांग्रेस आलाकमान द्वारा 3 अहम पद कुमाऊं के नेताओं को देने के बाद गढ़वाल क्षेत्र में बगावत की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। गदरपुर SDM राकेश तिवारी ने आज तहसील प्रशासन और ARTO के साथ मुलाकात औचक निरीक्षण किया जिसमें नेशनल हाईवे पर चल रहे ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को सीज किया गया। SDM राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थी और सड़क दुर्घटना हो रही थी, इसलिए आज एक विशेष टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई है। लगातार गदरपुर से शिकायत आ रही थी कि ओवरलोडेड डंपर जिसमें रेत बजरी वगैरह ढोए जा रहे हैं उसको ले जाया जा रहा है जिससे एक्सीडेंट की संभावना और जाम की संभावना बनी रहती है। तो उसको देखते हुए आज मेरे द्वारा राजस्व विभाग की टीम के साथ औचक इनको चेक किया गया, उसके बाद इनको धर्मकांटे पे इनको इनकी माफ़ करवाई गई। जो देखा गया वास्तव में ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके पश्चात उनको सीज करके तहसील में खड़ा किया गया है और फर्दर कार्रवाई की जा रही है। सीज हमारे यहाँ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है कि सीज करके उसमें अर्थदंड। उत्तराखंड में 9,000 PRD जवानों को साल में 300 दिन का रोजगार दिए जाने की तैयारी है।
अन्य विभागों में भी इसका समायोजन किया जा सके, इसके लिए खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को एक्ट में संशोधन के निर्देश दिए। विधानसभा स्थित कक्ष में खेल और युवा कल्याण विभाग के समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं, इसके लिए 500 करोड़ की जरूरत होगी। बजट के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की जाएगी। खेलो इंडिया के लिए जिम और इंडोर स्टेडियम बनने हैं। बैठक में मंत्री ने इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार केरल के मॉडल पर उत्तराखंड में युवा आयोग बनाए जाने की तैयारी में है। इससे युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर मिलेंगे और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आयोग सरकार को खेलों की बेहतरी के लिए सुझाव देने के साथ ही अन्य आयोगों की तरह काम करेगा। पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर गुड़मंडी में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधन पर 3,51,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आदित्य राणा ने इसकी जानकारी बैंक के बड़े अधिकारियों को दी, साथ ही मंगलौर कोतवाली प्रभारी को भी एक एप्लीकेशन देकर अवगत कराया है और मामले के जांच की मांग की है। राणा का आरोप है कि उनका इंडियन ओवरसीज बैंक के मंगलौर शाखा में पिछले कई सालों से करंट अकाउंट है और उनके अकाउंट से लाखों रुपए का लेन देन होता है, लेकिन इसी बीच बैंक ने उनके खाते से 3,51,000 रुपए TDS के नाम पर काटे हैं, जिसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने उनकी रकम कुछ दिन बाद वापस खाते में आने की बात कही, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी उनके खाते में रकम नहीं लौटी तो उन्होंने इस संबंध में बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। अभी तक उन्हें बैंक कर्मियों की तरफ से कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। मैं यहाँ पे जो है 2017 से अकाउंट है और उस अकाउंट में ही मेरा सब लेन देन चलता है, करंट अकाउंट है। पिछले एक महीने के अंदर मेरे अकाउंट से 3,51,000 रुपए जो है वो IOB बैंक ने काट लिया TDS के नाम पे। ना मेरे को कोई इस चीज़ की जानकारी नोटिस दिया जा रहा है, ना मेरे को बताया जा रहा है कि किस लिए मेरे से डेबिट काट अकाउंट में से निकाले जा रहे हैं। मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, एक महीने से मैं चक्कर काटता हुआ थक गया हूँ इस बैंक के। बैंक का मैनेजर छुट्टी पे है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और आज मुझे मजबूरी वजह इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ मंगलौर कोतवाली में और मीडिया से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें। भारतीय वन सेवा के 3 अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन के बाद पूर्व अफसरशाही में खलबली है। CM ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी मामलों में कार्रवाई होनी है उनमें तेजी से अमल होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध कटान और निर्माण सहित तमाम अनियमितताओं के मामलों में भी धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 IFS अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जबकि 1 IFS अधिकारी को देहरादून मुख्यालय अटैच किया गया। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ही नहीं अन्य विभागों में भी हड़कंप मचा है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी तंत्र को साफ संकेत कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। इसके इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में विजिलेंस के मामलों में भी तेजी दिखाई देगी। सतर्कता मामले में चल रही जांच को समयबद्ध करने के साथ ही पूरी हो चुके जांच के मामलों में भी तत्काल एक्शन हो सकते हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले 6 महीने का वेतन खाद्य सामग्री नहीं मिलने की वजह से गुस्साए वन श्रमिक दूसरे दिन भी विभागीय कार्यालय में डटे रहे। उन्होंने मांगे ना पूरे होने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने की चेतावनी दी। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में मंदाल रेंज मोहान में अस्थायी दैनिक के रूप में वन श्रमिक कार्यरत हैं। वन श्रमिकों ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन क्षेत्राधिकारी मोहान कार्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हमें अक्टूबर 2021 से वेतन खाद्य सामग्री नहीं मिली है। वन श्रमिकों का कहना है कि हमने वन विभाग को कालागढ़ टाइगर रिजर्व DFO से बातचीत भी की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। माह से हमें न तो वेतन मिला है और लगभग 2 वर्ष से राशन नहीं मिला है, जबकि हमने
सब निगम द्वारा विगत 16/4/22 को रेंज कार्यालय में हमारे प्रभाग वन अधिकारी आए थे, उनको अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने तब भी हमारी नहीं सुनी। फिर दोबारा हम 25/4/2022 को कोटद्वार में प्रभागी वन अधिकारी महोदय के सामने फिर गए, जिससे कि उन्होंने हमारे को 7 दिन का समय दिया है और वो 7 दिन का समय हमारा 2 तारीख को पूरा हो रहा है। ना हमें राशन मिल रहा है, ना हमें वेतन मिला है 7 माह से, और जबकि CTR में हमारे बगल में उनको 5 माह का वेतन भी मिल गया है और राशन उनका बराबर आ रहा है। अब हमारी जबकि आला अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम अभी कुछ दिन है कार्य बहिष्कार में बैठे हैं। उसके बाद कोर्ट द्वारा हम 2 तारीख से संपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी विभाग की है और हमारे उसकी है सरकार की। सर, यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी आया और न ही हमारी किसी ने सुनी है। हमने जबकि बार बार इनको अवगत कराया था, तब भी कोई हमारी सुन नहीं रहा है। तो बाकी हम तो मजबूर हैं और हमारे आर्थिक संकट हमारे निकट जा रहा है, जबकि बच्चों का स्कूल भी खुल। एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग लाइस्टोन के मंदार रेंज के में कार्यरत हैं और इनका आज कार्य बहिष्कार का 2रा दिन है। कल 27 तारीख को ये लोग यहाँ पर आए थे और अपने कार्य बहिष्कार की सूचना लेकर के संघ के आह्वान पर इनके अपने जो मुख्यतः 2 मांगे हैं, एक तो इनको पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमको 5 महीने से किसी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया, ना ही मतलब राशन दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। तो इसके लिए इन्होंने कार्यकारिणी गठन करके जो भी उच्चाधिकारियों को संज्ञान दिलाते हुए अपनी मांग को रखा था, उसकी मांग को पूरा न होने पर या इनका पारिश्रमिक भुगतान न होने के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ये अपने रेंज कार्यालय के मुख्यालय पे कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। और ऐसे इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यदि कार्य बहिष्कार के दौरान हमारा पारिश्रमिक का भुगतान या राशन आदि की व्यवस्था जो इनको पहले से दिया जा रहा था वो नहीं मिलता है, तो इन्होंने आगे की रणनीति कोटद्वार या अन्य बड़े मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। रोजगार को लेकर नैनीताल जिले में आयोजित हर 3 महीने में होने वाली बैठक में जहां जिले के कई विभागों के अधिकारी गैर मौजूद रहे, तो वहीं उन पर नैनीताल जिला अधिकारी धराज गर्ब्याल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि रोजगार को लेकर लगातार जिला प्रशासन को शासन से आवश्यक निर्देश मिले हैं, जिसमें जिले के युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही जिले में 3 करोड़ के सब्सिडी राशि के लिए उन्हें आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। लेकिन बैठक में जिस विभाग के अधिकारी नदारद पाए गए हैं, उन सभी पर दंडात्मक कार्रवाई की बात करते हुए जिला अधिकारी ने उन सभी के वेतन तक रोके जाने की बात कही है। नहीं, जो नहीं आए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग में ये 3 महीने में एक बार होती है, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये रोज़गार से जुड़ा हुआ मैटर्स है, शासन के लगातार हमारे निर्देश आ रहे हैं, हमारे पास मिलते रहते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, कि जो रोज़गार से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं उनको प्राथमिकता देनी है और उद्योग बंधु जो भी अपनी बात रखते हैं उसको बड़ी सीरियसली हमें लेना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो भी सुविधाएं हमें चाहिए तो उनको हम सीरियसली उपलब्ध करा पाएँ। इसलिए जो भी वेतन हम रोकेंगे, उनका वेतन रोकेंगे हम लोग, और अगले मीटिंग के लिए हम ये कह रहे हैं कि किसी अवैध मकान और किसी स्थान को कब्जा मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। बकायदा प्रशासनिक अधिकारी भी सरकारी कागजों का पेट भर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाते हैं, लेकिन रुड़की के नगला इमारती गांव में एक मामला इससे बिल्कुल विपरीत दिखाई दिया, जहां एक रिहायशी मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया और इस दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और किसी अधिकारी न्यायालय का आदेश भी मौजूद नहीं था। एक पल में छत के नीचे रहने वाला परिवार खुले आसमान के नीचे आकर रह गया। पीड़ित परिवार का आरोप तो ये भी है कि निर्माण ध्वस्त करते समय क्षेत्रीय पुलिस मौजूद रही और पुलिस की शह पर ही दबंगाइयों ने बुलडोजर चलाया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासनिक अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। मैटर
कल हमारे नॉलेज में भी आया है, जो एक शिकायतकर्ता व्यक्ति है वो उसने हमें रिटर्न कंप्लेंट भी दी हुई है कि भाई उसका वहाँ पे वो काबिज था और उसके बिना अनुमति के वो भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। कल ही हमारी टीम वहाँ पे गई थी, तो अभी क्योंकि बहुत सारे क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे रही होंगी, उसकी रिटर्न रिपोर्ट हमारे पास कानून मौके की स्थितियों के हिसाब से और जो डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है किन परिस्थितियों में मकान को तोड़ा गया है उसकी जांच करके वो हमें देंगे। तो अभी तो जांच का ये विषय है और संभवतः कल तक हमें रिपोर्ट क्लियर मिल जाएगी। क्या कोई सूचना दी गई थी इससे पहले तोड़ने से पहले? नहीं, देखिए हमें मेरे स्तर पर किसी प्रकार की सूचना नहीं थी किसी के भवन को तोड़ा जा रहा है या किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसकी मेरे पास कोई भी सूचना नहीं थी। और जैसे हमें सूचना मिली है प्रॉपर हमारी टीम वहाँ पे गई है और पूरे अभिलेखों के साथ मौके की क्या स्थितियाँ रही हैं उसके हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। सर, एक गरीब परिवार है जिस तरीके से घर से बेघर कर दिया गया है, तो क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इस तरीके से? देखिए, नियम विरुद्ध अगर चीज़ें हुई होंगी तो उसके लिए तो कार्रवाई करता है। क्या हुआ था जी? हम थे नहीं इधर, हम डॉक्टर के लिए जा रखे थे, इनने सारा मारे, सारे तो डंगर खोल के भगा दिए। कितने डंगर थे जी? जी 8 गाय थी और 5-6 भैंस थी, 10-15 डंगर थे हमारे सारे। किन लोगों ने भगाए? जिसने मकान तोड़ा उनने भगाए। एक तो डॉक्टर था, एक कप्तान था, एक ब्यूटी पार्लर वाली कविता थी, कई आदमी थे जी, उनने सारे 15-20 आदमी खड़े थे, सब ने डंगर भगा दिए हमारे सारे हैं। और मेरा सारा सामान डूब गया, कूलर, टीवी, फ्रिज, बेड, मेरे बक्से पाड़ कर सारा सामान निकाल लिया, कि नहीं पता कहाँ गए, जेवर भी थे और इसमें माला भी थी, मेरे पैसे की 10 माला थी, मेरे बच्चे का शादी की सारा सामान उसका महता सारा बाहर काट के फेंक दिया उनने, उठा लिया के एक भी नहीं पड़े, यहाँ जो पुराने पुराने कपड़े पड़े हैं नए सब उठा लिए उन, अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। परसों के दिन की बात है, कुछ घुमा के आए हैं, एक डॉक्टर जैन है और दो चार आदमी उनके नाम को लिखे कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको खाली करो इस मकान को, उनमें हमारे बहनों में भी है और हमारे मीटर के बिल भी हैं, सब कुछ है हमारे पास में। तो जबरन आके वो अगले दिन उसी शाम को मेरी औरत को चोट मार के गई, उसकी डॉक्टरी में हमारे पास में SDM साहब इसमें इन्वॉल्व पुलिस थी, दरोगा जी ने बार बार धमकी कराया था इसको खाली करो। कौन है दरोगा जी? वो पोखरियाल दरोगा जी, 3 बार वो देगा। मैं छोटे SDM के पास दिया 1 महीने पहले, तेरी बड़े SDM को दी, तहसीलदार साहब के लिए उसे उन्होंने मार किया, मेरे पास कोई उसे नहीं। उसके बाद मैंने 112 नंबर पर बार बार कॉल किया, 25 तारीख को मैंने फैक्स SSP हरिद्वार को किया, कल मेरी औरत को चोट मारी, मैं डॉक्टरी के लिए पुलिस गया, पुलिस थाना गया, थाना उन्होंने डॉक्टरी होने की SDM साहब से मतलब परमिशन लेके मैं डॉक्टरी करवाई, उसी दौरान मेरा पोता पोती थे यहाँ कमरे बने थे, हमारे थोड़ी जैसी भी मतलब उनको वहाँ थी छोटे छोटे बच्चे बल्डोजर के नंबर है, जैसी भी वहाँ का नंबर है आपको खुद बता, उनको बहका कर लाया गया। क्या क्या सामान दबा इसमें? इसमें सारा सामान, इन्वर्टर घर का, अच्छा 1.5 लाख रखा था। देश के तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आयोजन उत्तराखंड में आगामी 3 मई को होना है। ऐसे में सरकारों ने और प्रशासन ने COVID-19 को ध्यान में रखते हुए लगातार कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर उपयोग करने की सलाह दी है। फिर से जो है केसेस मिलने शुरू हो गए हैं, मरीजों को या फिर जो लोग हैं आम जनमानस उनको किस प्रकार के प्रिकॉशन रखने चाहिए ताकि कोविड से बचा जा सके और ये लहर कितनी घातक साबित हो सकती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कोविड दोबारा से आ रहा है, इसलिए पहले की तरह ही उसमें एक तो हम डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं जैसे पहले करते थे, उसी तरह से सब प्रिकॉशन तो वही लेने पड़ेंगे क्योंकि सेम प्रॉब्लम है ये, इन सब का ध्यान रखते हुए। और फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB News। नमस्कार।